गुड इवनिंग सर। ठीक गुड इवनिंग आयुष, कैसे हो? हो सर। हाँ आयुष, तुम्हारी डाउट नहीं आई, आद्या श्रेया की तो आ गई थी मेरे पास। सर मैंने आपको बताया ना अभी एग्जाम्स चल रहे, तो हाँ, एग्जाम्स कैसे गए? सर केमिस्ट्री का अच्छा गया, बट जितना एक्सपेक्ट किया था वो उतना अच्छा नहीं गया। ओके सर बेसिकली लैंग्वेज में मेरी मिस्टेक हो गई, लाइक ओहो, कितना आया केमिस्ट्री में? मार्क्स सर अभी तक मार्क्स नहीं पता चले सर। नहीं पता चला है। वैसे एग्जाम ठीक, मतलब ज्यादा अच्छा जाना चाहिए पर गया नहीं। हाँ चलो जी। कोई बात नहीं। हाँ श्रेया, क्लास के बाद हम लोग डाउट करेंगे, ठीक है? हेलो श्रेया, हेलो श्रेया, साउंड नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ अभी आई। हाँ श्रेया, तुम्हारे फिर जी में एग्जाम हो रहे होंगे? 27th और 28th सर फेज 3 है। फेज 3 है। फेज 1 फेज 2 का परफॉर्मेंस क्या है? ठीक ही गया सर, इतना अच्छा नहीं कहेंगे। कितना कितना? मतलब पहले तो इस बार तो केमिस्ट्री थोड़ा सा जी भी जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक है ना, तो मतलब अभी एफ कैट हुआ था हाँ, तो उसका उतना अच्छा नहीं गया था। उससे पहला वाला फेज अच्छा गया था, उस फर्स्ट अच्छा फेज अच्छा नहीं गया था, सेकंड फेज केमिस्ट्री का अच्छा गया था, और अभी अच्छा थर्ड फेज का जितना जिससे एफ कैट चल रहा है उसमें मतलब ठीक ही कहो, मतलब जैसे उसमें कई चीजें होती हैं, मेटामर एनआईसीएमआर ये सब चीजें, उन सब में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है, कंफ्यूजन होते रहता है। ओके, चलो कोई और बात नहीं। मेन चीज है ना कि सर वो टाइम ही नहीं मिल पाता पूरा, मतलब क्या कहते हैं कि अगर हमारा पेपर है ना, कि सपोज हमारा जनरली पेपर होता है 180 के अराउंड मार्क्स का, तो 2 घंटे का टाइम देते हैं वो। अभी उसमें पीसीएम 3 अटेम्प्ट करना होता है, अभी उसमें भी ना वैरायटी ऑफ दो क्वेश्चन। घंटे क्यों दे रहे हैं 180 मार्क्स पेपर में? 3 घंटा होना चाहिए। हाँ, एक्चुअली वो कितने भी मार्क्स का हो जाता है, मतलब 180 तक का ही रेंज होता है, 160 to 180 रेंज होता है, एंड दिस इज द ओके वीकली टेस्ट। सो उसमें क्या होता है सर कि उसमें हमें सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, एमसी ऑफिस कर मैच द फॉलोइंग, इंटीजर बेस्ड, डेसिमल बेस्ड, इन सब क्वेश्चंस भी होते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना सर कि कभी कभी कुछ तो क्वेश्चन से, अभी फिजिक्स है, फिजिक्स ठीक गया बट केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया, मैथ्स की वैसे भी सारे बच्चों की कट ऑफ कम गई थी, तो उस हिसाब से अगर मैथ्स से वो तो ठीक ही गया, बट मेरा केमिस्ट्री कम गया था। ओके। रिसेंटली हाँ एक तीन तो आपको थर्मो में इशू है, थर्मो में शायद आयुष को भी इशू है। हाँ सर, मेरे को मतलब क्या फॉर्मूला कब लगेगा कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मेरे को ओके उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं। एक तो आपको थर्मो में इशू है। थर्मो में आयुष आपको इशू है? यस सर, ओके, आपके एग्जाम्स कब ओवर हो जाएंगे आयुष?
मेरे नेक्स्ट वीक हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक ओवर हो जाएंगे। ठीक है श्रेया, हम लोग इसको अलग से वापस से कवर करेंगे। ठीक है हाँ ओके सर। और सर एक और था कि हाँ मेरा जो स्कूल मतलब मेरा फिटजी है ना, हाँ उन्होंने कुछ तो अलग ही कुछ डिवाइस कर दिया सिस्टम। उन्होंने 12th का जो एक टॉप चैप्टर है ना हाँ केमिकल काइनेटिक्स, हाँ वो वो 11th लेवल में पढ़ाते हैं। हाँ वो 11th में पढ़ाया है। तो सर एक बार आप मेरे को पढ़ा देंगे, मतलब आप ऐसा जिस्ट दे दीजिए तो नहीं मैं पढ़ाना बाकी कर है, लूँ। वो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाना है। एक्चुअली सीन क्या है ना कि मुझे भी प्रेफरेंस यही रहता है कि मैं केमिकल काइनेटिक्स 11th में पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों का सिलेबस मैंने लेट शुरू किया था, काफ़ी लेट था हाँ एज सर कम्पेयर टू नॉर्मल, तो हम लोगों ने लेट था, उस वजह से मैंने सोचा कि फिर 12th में इसको शिफ्ट कर देता है, क्योंकि फिर 11th के सिलेबस में ज़्यादा लंबा खिंच जाता है और आप लोग पैनिक कर जाते कि मार्च तक सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो रहा है, हाँ तो इस वजह से फिर उसको मैंने वहीं पे रखा है, मतलब 12th में वापस रख चुका तो हूँ, सर अगर लेकिन आप मैं कोशिश करूंगा कि पहले कवर करा दूं। ठीक है हाँ क्योंकि सर अभी मेरा पेपर है ना, तो मेरे को एक बार आप भी पढ़ा दोगे ना तो फिर वो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आता है कि हो जाता है, फिर ठीक है जो ठीक डाउट्स होते हैं तो फिर वो क्लियर हो जाते हैं। अब ऐसे है। कुछ होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन और कुछ मतलब देखो उसका कैलकुलेशन, हाफ पार्ट है रेडियो एक्टिविटी, केमिकल काइनेटिक्स का ही हाफ वो पार्ट आपने है करा रेडियो दिया। एक्टिविटी, हाँ वो करा उसमें दिया दो क्वेश्चन निकल रहे हैं तुम्हारे, हाँ, और जो दूसरा पार्ट फर्स्ट एक जो बचेगा उसमें एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मैक्सिमम सेकंड क्वेश्चंस आएंगे, थर्ड। हाँ फर्स्ट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आएंगे। फिर हाँ ओके सर आपको मतलब मैं क्वेश्चन टाइप स्पेसिफिक बता दूंगा, उसमें कुछ ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ही आंसर करना होता है। हाँ ठीक है तो क्वेश्चन हाँ अटेम्प्ट करने की टेक्निक सिखा दूंगा कैसे करना है उस क्वेश्चन। सर बट उससे पहले ना एक बार फॉर्मूला का सार बता दीजिएगा कि, और फिर एक जैसे क्वेश्चंस कुछ होते हैं ना ऐसे, अभी मैं हाँ जब पेपर अटेम्प्ट कर रही थी ना मैं वहाँ। तुम्हें एक या दो फॉर्मूला बताऊंगा, उससे सब कुछ हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, तो ठीक सर वो है बता इसकी दीजिएगा। अलग से क्लास ही रख लो ना, मैं भी अटेंड कर लूंगा। आयुष तुम्हारा एग्जाम था इसीलिए मैं तुमको अभी नहीं बोल रहा सर जब मैं नहीं कर पाता लाइक सर अभी कल एग्जाम है, बट कल थोड़ा आसान है पेपर और मेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, इसलिए नाउ आई एम अटेंडिंग। ओके अगर कोई टफ वाला आएगा तो आई विल टेल यू बिफोर हैंड ओनली कि सर आई वोंट बी एबल टू डू द क्लास, ओके ठीक अदरवाइज तो सर जैसे आप रख रहे हैं आई विल अटेंड। ओके ठीक है आयुष, तो जैसे भी होगा मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ किस टाइम पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स और एक थर्मोडायनेमिक्स वापस से रिपीट करें, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में काफी लोगों में मुझे लगता है दिक्कत है। आद्या आपको थर्मोडायनेमिक्स में दिक्कत होगी है हाँ उसका न्यूमेरिकल नहीं सर, ना, प्रणव को भी दिक्कत है, नहीं सर गुड इवनिंग बोल रहा था। थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है तुम्हारा? नहीं सर गुड इवनिंग बोल रहा था, अभी क्लास में आया हूँ। हाँ गुड इवनिंग, मैं बोल रहा था कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में इशू है कुछ, यस सर यस सर। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार थर्मोडायनेमिक्स को रिपीट कर लेंगे, जैसे ही थोड़ा सा सिलेबस ऑर्गेनिक का हम लोग थोड़ा फिनिश करके एक बार थर्मोडायनेमिक्स को वापस रिपीट कर लेंगे। सर 22nd को केमिस्ट्री का फाइनल टेस्ट है। ओके 22nd को इसी फैब को ना, यस सर ठीक है अपना तब तक तो मेजर काम निपट जाना चाहिए, उम्मीद तो यही है। 10 days है सर अभी। सर हाँ हाँ जी श्रेया ये बोलो, जो हाइड्रोकार्बन है उसमें वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे ना, ये वाला टॉपिक। हाँ हाइड्रोकार्बन के अंदर ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, अगर आपको शॉर्ट में करना है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के ऑलरेडी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, सारी रिएक्शंस वगैरह सब कुछ। देखा मैंने सर, हाँ श्रेया तो कुछ समझ आया, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें। इंग्लिश हिंदी में क्या बात करेंगे सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, थोड़ा इंग्लिश हिंदी में बात करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपने अभी क्या क्या बोला सर। हिंदी में ही तो बात कर रहे हैं आयुष, वो केमिस्ट्री लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। टॉपिक्स कौन कौन से है बताए सर आप। ओके आयुष एक टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है, तो उसके लिए श्रेया पूछ रही थी मुझसे कि सर वो उसी हाइड्रोकार्बन के अंदर ही कवर करेंगे ना, तो मैं कह रहा था कि आपको अर्जेंटली अगर नीड है तो मैंने उसके वीडियोस पहले डाल रखे हैं अपने चैनल पर,
अच्छा सर, हाँ, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ डाल रखा है। तो अगर अर्जेंट नीड है, मतलब किसी टॉपिक के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत कम टाइम के वीडियोस है, मतलब बहुत शॉर्ट में सब कुछ बता रखा है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम लगेगा, ये बोल रहा था मैं। ओके सर। हाँ, इस कंपाउंड का IUPAC नेम आप एक बार ट्राई कीजिए। सर, हाँ जी, ब्यूटेन और प्रोपेन में फर्क बताएगा। ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन क्या होता है, 4 कार्बन की चेन है, प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है। सर मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ब्यूट पहले आता है कि प्रॉप पहले आता है, तो ये मैं भी होता था, सही बात है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। ब्यूट बाद में आता है, प्रोप पहले आता है। अच्छा सर, ये कैसे पता लगाएंगे कि क्या सर पता देखो, कैसे लगाएंगे? आई मीन कि अगर हमें दे रखा है ब्यूट और प्रॉप, और हमें बताने कि कौन सा ब्यूटेन है और कौन सा प्रॉपेन है। इथ 1 कार्बन के लिए, इथ 2 कार्बन के लिए, प्रोप 3 कार्बन के लिए, और ब्यूट 4 कार्बन के लिए। पेंट सर कोई शॉर्ट फॉर्म है इसका करने का, लाइक जैसे कैट आयन नहीं, का पॉजिटिव टी में पॉजिटिव होता है, तो वो मैंने पॉजिटिवली चार्ज आयन ऐसे मैं कर रहा हूँ तो। नहीं आयुष, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक चीज याद रखो, ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन है, प्रोपेन अपने आप याद रह जाएगा, 3 कार्बन है। ओके सर, एक चीज और कंफ्यूजिंग होती हैग्स 6 कार्बन, और हैग्स के बाद कई बच्चे क्या लिख देते हैं, सेप्ट। सेप्ट कुछ नहीं होता है, हैप्ट होता है, हैप्ट होता है 7 कार्बन की चेन। ये सेवन से सर सेप्ट बना देते हैं, ये सेप्ट गलत होता है, सेप्ट नहीं यूज करना है। नेमिंग इन्होंने ऐसे क्यों करी सर? हम स्टूडेंट्स की लाइफ इतनी टफ क्यों कर रहे हैं? आयुष, तुम्हारा नाम आयुष है, लेकिन जब बाहर का कोई इंसान सुनेगा तुम्हारा नाम आयुष, कुछ ऐसा बोलेगा, आयुष आयुष, हर एक बंदा अलग अलग प्रोनाउंसिएशन दे देगा, है ना, यस क्योंकि उनकी लैंग्वेज में तो बहुत टफ नेम है, अपनी हिंदी से टफ लैंग्वेज थोड़ी हो सकती है। अपने हाँ जी सर, को तो हिंदी बहुत इजी लगती है, लेकिन बहुत टफ है बाहर वालों के लिए। हाँ जी सर, तो क्या सीन है कि ये रोमन और लैटिन लेटर्स से यूजुअली निकल के आते हैं। ओके, उनका नेटिव लैंग्वेज वो है, तो उन लोगों ने उस हिसाब से डिजाइन कर दिया। अब हिंदी की तो आपको लैंग्वेज भी नहीं आती होगी, हिंदी की लैंग्वेज कैसे होती है, वन कुछ ऐसे बना देते हैं, टू पता नहीं कैसे ऐसे, शायद मुझे नहीं पता सर, हिंदी नंबरिंग पड़ी नहीं है। फोर थ्री उल्टा ऐसे, है। फोर कुछ ऐसे होता है, तो देख लेना, बहुत अजीब नंबरिंग होती है हिंदी की। तो खैर आयुष, ये नाम ट्राई करो, IUPAC नेम मैंने आपको करने कहा था। किसी ने किया? श्रेया का तो आ चुका है, आद्या नहीं सर, देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन आद्या, हाँ एक्सेप्ट। है ना। अब आपको 1 पे ईन दिख रहा है, मतलब हाँ 1 पे हाँ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 3 पर है, 3 पर आयन है ना, हाँ और 5 पर वापस से ईन है, तो यहां पर क्या करेंगे, कितने कार्बन चेन, हैग्स 1 5 डाईन 3 आयन, ठीक है क्या, हाँ हाँ सर, समझे कैसे किया। हाँ
नहीं सर। नहीं समझे? देखो, आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड की जो नंबरिंग है वो डबल बॉन्ड के बाद होती है। मैंने आपको शायद लिखवाया था पिछली क्लास में, आयुष याद है, लास्ट क्लास में आपको यस बताया था सर। कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखना पड़ेगा, इन किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। तो ये अच्छा हेक्स समझा वन सर। फाइव ओके 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 डाई इन किस वजह से, क्योंकि दो बार इन आया है, दो बार डबल बॉन्ड है। और थ्री आइन किस वजह से, थ्री पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। सर, तो इसमें पता कैसे चलेगा कि ये हेक्सेन है सर? सिक्स कार्बन की चेन है। नेमिंग से कैसे? अच्छा हेक्स है। हाँ अच्छा, पहले हेक्स लगा दिया। हुआ आयुष? यस सर। ठीक है, मैं आपको एक और देता हूं, आप ट्राई कीजिए। सर कौन सा पीडीएफ हम लोग को होमवर्क में बना करके देना था? आज शेयर किया था तुम्हारे साथ पीडीएफ, वहीं पे डाला हुआ था। सर ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में डाला हुआ था। अच्छा, उसके सारे क्वेश्चंस बना के पीडीएफ में भेजना है? ठीक नहीं, आपको बना के कुछ डाउट्स है तो पूछ लो साथ साथ, है। बनाने हैं पर टाइम पास नहीं करना। आप तो इधर से काम नहीं करते हो, वैसे नहीं करना। इस बार तुमने काम किया है, टेस्ट दिए हैं, हाँ देखा मैंने आद्या, तो इस क्लास के बाद डाउट्स लेंगे, ठीक है आद्या? ठीक है। आद्या हेलो। हेलो हेलो। हाँ, क्लास ठीक क्लास के बाद डाउट्स करेंगे जो तुमने भेजे हुए हैं ना, है। हाँ ठीक है। हाँ, इसका नेम कैसे देंगे सोचिए एक बार। इसका नेम कैसे देंगे एक बार ट्राई कीजिए। यहां पर एक रूल लिखिए, इफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल देन पैरेंट चेन इज कंसिडर्ड देन पेरेंट चेन इज कंसिडर्ड सॉरी देन दैट, एक एक वर्ड और कर देना, देन दैट पेरेंट चेन इज कंसिडर्ड दैट पेरेंट चेन इज कंसिडर्ड
विच कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। Then that parent chain is considered which contains that double or triple bond. तो इस रूल को आपको यूज करना है और यहां से आप करने की कोशिश कीजिए, मेन चेन कौन सी हो जाएगी जिसमें डबल बॉन्ड आया हो, मतलब जिसमें दोनों डबल बॉन्ड आए हैं इस केस में, वो चेन मेन चेन हो जाएगी इस बार। बार मेन चेन कौन सी हो जाएगी, देखिए ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर वाली दो लॉन्गेस्ट चेन है, इसको मेन चेन नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग मेन चेन के अंदर रखें। बताइए भाई क्या नाम देंगे? सिक्स सर, प्रोपाइल ब्यूटाइल नहीं होगा? प्रोपाइल 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। ओके हाँ, सिक्स प्रोपाइल ओक्ट 1.79 1 7, सॉरी 1 कोमा कितना हो जाएगा 1 2 3, अरे 6 प्रोपाइल नहीं होगा, नंबरिंग गलत है क्योंकि तो इस साइड से कम नंबर मिल रहा है। मैं एक बार नंबर दोबारा से दे देता हूँ, नंबर इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहां पर क्या करेंगे, 3 प्रोपाइल ओ 3 प्रोपाइल ओक्ट 1.7 डाई ई, ठीक है क्या? बताइए। यस सर, यस सर, प्रणव यस सर, आर्यन, यस सर, यस सर, चलो कोई बात नहीं। आर्यन तुमने फिर कोई डाउट नहीं पूछा मुझसे। अब देखिए ऐसे कंपाउंड्स कैसे नाम दे, कुछ अलग तरह के कंपाउंड्स दिखाता हूं आपको। आपको अगर कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए तो उसको कैसे नाम देंगे? जब भी साइक्लिक प्रॉब्लम हो ना, तो साइक्लिक आपके पास कंपाउंड गिवन हो ना, तो नाम के आगे साइक्लो लग जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड हो तो नाम के आगे क्या लग जाएगा, साइक्लो। तो इसका नाम मैं देके दिखाता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की ये चेन है और साइक्लिक है, इस वजह से साइक्लो। एक मिनट, एक चीज तो भूल ही गया। क्या बताना था, साइक्लो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स एन, और बाहर क्या लगेगा, 1.2.3 ट्राई मिथाइल। सही है क्या?
वन टू थ्री पोजीशन पर क्या है, ट्राई मिथाइल है, मतलब तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और फाइनली कंपाउंड क्या है, मेन चेन क्या है, साइक्लिक, इस वजह से साइक्लोहेक्सेन। समझ आया क्या किया? नहीं, सर ये वाला नहीं आया क्या नहीं समझ आया आद्य, बताओ। सर, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन और ये ट्राइमिथाइल कैसे लिखते हैं? देखो ये तीन तो अपने सब्सटेंस हैं, हाँ तो इनको क्या लिखते थे हम लोग, वन मिथाइल, टू मिथाइल, थ्री मिथाइल, ऐसे लिखते थे। हाँ वो तो आता है। तो उसकी जगह क्या लिख दिया, वन टू थ्री तीनों, क्योंकि मिथाइल ही है तो ट्राई मिथाइल लिख दिया, तीन अच्छा बार मिथाइल, ट्राई मिथाइल, हाँ तो इस वजह से ट्राई मिथाइल आ गया। और मेन चेन क्या है, साइक्लिक है, आपको साइकिल दिख रही है, एक हाँ और 6 है तो 1 हेक्सेन, साइक्लो, इस वजह से नाम क्या आगे लग गया, और सिक्स हाँ कार्बन की है, इस वजह से हेक्सेन। कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड इसमें नहीं दिया हुआ था, डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या होता तो क्या करते, वो अगले एग्जांपल्स में दिखाऊंगा। अभी ठीक समझ आया आद्या, है यस सर प्रणव? यस सर प्रणव की आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे समझ नहीं आया। यस मुझे सर तो आ गया, आ गया। बताओ यस सर तो एक बताओ मुझे, अगर समझ आ गया तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं तुमसे। आयुष, इसका नाम बताने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल है। श्रेया श्रेया बताएगी, इसका नाम तो श्रेया बताएगी पहले। बताएगी हाँ आयुष, सर 1 मिनट कर रही पे बताती कर लो, सर, इसमें कोई एक्सेप्शन या रूल तो नहीं है ना? क्या नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल सिंपल सा आया। सर 8 कार्बन एक कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है आयुष, सर। ईथ 1 ईन साइक्लो 1 हेक्सेन इथ साइक्लो हेक्सेन इथ वन इन इनाइल या इन, इनाइल सॉरी इथ वन इनाइल साइक्लो हेक्सेन, सही है। आयुष क्या नाम होगा? ठीक है लग रहा है सर। ये सर 8 कार्बन चेन क्यों क्यों नहीं हो सकता ये? अच्छा देखो आयुष, एक और बोलता हूं, ये सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा था। कौन सा सही है, ये वाला या ये वाला? सर सेकेंड वाला लग रहा है बिकॉज आपने बताया था वो वर्डिंग्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला तो गड़बड़ है। वो तो साइक्लो है तो वो थोड़ी ना इफेक्ट करेगा। नहीं श्रेया, सेकंड वाला सही है, आयुष की ये बात तो सही है कि सेकंड वाला सही है, लेकिन लॉजिक नहीं क्या है, लॉजिक ये है, हेक्सा मैंने आपको ये बताया कि पेरेंट चेन हमेशा वो कंसिडर करो जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड हो, नहीं बताया श्रेया? समझा पेरेंट चेन वो वाली होगी, मेन चेन वो वाली चेन होगी जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड हो। मैक्सिमम कोशिश करो कि जितने ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड कर सको, उनको इंक्लूड करना ही करना है। तो सर उस हिसाब से तो ये गलत ही हो गया ना जो आपने भी लिखा, क्योंकि ये तो 1 2 3 फोर फाइव नहीं 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 श्रेया, सिक्स सेवन श्रेया, एट श्रेया, रुको रुको, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि मैंने तुम बताया था कि कनेक्शन वाले कार्बन को फर्स्ट कार्बन बोलते हैं, जहां से कनेक्शन हो। हाँ तभी तो 7 हुआ ना।
नहीं तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, इसी वजह से तो हेक्साइल हुआ। तो फिर सर इसमें लॉन्गेस्ट चेन वाला कहाँ से आया कि उसमें डबल होगा, क्योंकि अगर कनेक्शन देखेंगे तो वो तो मैंने भी किया ना। लॉन्गेस्ट चेन नहीं कंसिडर होगा श्रेया, वही चीज मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डबल बॉन्ड आ गया तो पहले उसको इंक्लूड करो, लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग स्किप कर सकते हैं। हाँ ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोहेक्साइल। बिल्कुल, ओके समझा, मतलब मैंने उल्टा सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। हाँ समझा सर। यहां पर डबल बॉन्ड को कोशिश करनी है कि हमेशा मेन चेन में रहे, पैरेंट चेन या मेन चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, चाहे वो छोटी चेन हो लेकिन उस चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। अभी सर एक और चीज है, ये हेक्साइल और ईन कहाँ से हो गया? इधर ईन हो गया, इधर एक्साइल हो गया, तो वो कैसे आया? क्योंकि ये जो इथ के साथ, ये 1 2 2 कार्बन वाली जो चेन है, मेन चेन जिसको मानना, उसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड है तो ईन आ जाएगा। तो हम तो आइन क्यों लगाते फिर? आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है श्रेया, सो सब्स्टिट्यूएंट में लगाए नहीं थे हमने क्वेश्चंस में पिछले क्लास में? नहीं ओके सर। देख, सर नहीं कुछ मिले तो बता देना। नहीं, मैं गलती लिखती रहती हूँ डबल सर। बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। हाँ आयुष बोलो। सर हम ये जो आपने बनाया हाँ सर, इसमें हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 4 5 6। नहीं, आयुष ये नहीं कर सकते। जब भी साइक्लिक रिंग होगी तो उसको एक साथ नाम देना पड़ता है, चाहे वो मेन चेन में हो चाहे पैरेंट क्या सबस्टिट्यूएंट में हो। मेन चेन में रखोगे तो भी साइक्लिक रिंग, सिर्फ उतने ही कार्बन कॉन्सेंट्रेट होंगे जो साइकिल के अंदर आएंगे। साइक्लो वर्ड लगाया उसका मीनिंग ये है, अगर तुमने यहाँ पे साइक्लो आगे लगाया उसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर जितने भी कार्बन आएंगे साइक्लो के बाद वो सारा रिंग फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा ओके सर। तो साइक्लो हेक्साइल का ये मतलब हुआ कि ये जो हेक्साइल है इसके 6 के 6 कार्बन मिला के रिंग बना रहे हैं। सर तो वो हम ब्रैकेट्स में नहीं लिख सकते, क्या चीज, ये साइक्लो है हेक्सेन। नहीं इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें भी कोई सब्स्टिट्यूएंट होते तो आपको ब्रैकेट में देना पड़ता, क्योंकि ये तो सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाता, मतलब इसमें और भी कोई ग्रुप लगे हुए होते, तो आपको ब्रैकेट में जाना पड़ता। अच्छा ओके सर। 1 मिथाइल है साइक्लोहेक्साइल, तो फिर आप ब्रैकेट में डालते। हाँ श्रेया क्या पूछने की कोशिश है, सर इसका इसमें क्या करेंगे? इसमें फिर आपको इथ 1 इनाइल आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां भी आ गया तो यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, इन दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये मेन चेन हो जाएगी और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। मतलब सर मेरे को नहीं समझा, आपने बहुत फास्ट बोला मैं एक शायद। बार नाम लिख देता हूं इसका, देख लो, इथ 1 इनाइल साइक्लो कितने कार्बन पे ले लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसी साइड पे चलेंगे, 1 2 3 4 5, सो 5 इथ साइक्लो हैग्स और 1 3 डाइईन। अब सर अगर मैंने ये वाला हटा दिया तो तो अब भी कैसे? साइक्लिक रिंग को पहले लेंगे क्या, फिर ये प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है, उसकी वजह से ये क्यों लिया? प्रायोरिटी की वजह से सर देखो अब दोनों साइड एक एक डबल बॉन्ड है, फिर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, साइक्लो वाली और बार वाली, तो साइक्लो वाली लॉन्गेस्ट चेन है तो उसको लेंगे। ये ही सर, जैसे 1 2 3 4, मतलब इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ताकि ये भी 6 हो जाए, ये भी 6 हो जाए, हाँ तो फिर अब क्या करेंगे? तो फिर कौन से तो फिर लेंगे? क्या करेंगे, फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आ जाएंगे श्रेया। उसमें भी सर एक बार करके दिखाइए ना। उसके आगे सी आता है, उसके आगे हैग्स आता है,
साइक्लो लग जाता है सी। ठीक है ठीक है, ठीक है, यस सर। बड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहे हो, इतना नहीं जाएंगे। एक सेकंड रुको, इतना पूछा नहीं जाएगा वैसे, पर कोई बात नहीं, डाउट था तो क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ सर एक और डाउट है कि वो जो था अभी आपने लिखा ना ENYL, वो वायल लिखने का फायदा क्या होता है? वो तो हमारा एल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, CNH2। वाइल रिप्रेजेंट करता है कि वो सब्सट्रेंट की फॉर्म में है। हाँ अच्छा ठीक है, कभी एल्काइल ग्रुप होता है तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दे रहा हूं, कोशिश कीजिए। इसको ट्राई कीजिए। बड़ा भारी है, आसान नहीं है। इसका आंसर प्रणव बताएगा मुझे। यस सर, ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहा हूं या निकाल रहे हो? नो सर, हाँ श्रेया का आ गया होगा शायद, किसका आया? श्रेया का सही है क्या? नहीं, गलत है श्रेया, भारी मिस्टेक है, समझाने के बाद गलती किया। सर मुझसे डबल बॉन्ड इंक्लूड होगा ना चेन में, हाँ लॉन्गेस्ट में। हाँ चेन में कोई इशू नहीं है, कुछ और इशू है। हाँ प्रणव, क्या सोचा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं श्रेया, और कुछ मिसले? नंबरिंग देखना, बताते हैं। प्रणव, आपका आया आंसर? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। नहीं आया। चलिए मैं बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। आप इस तरफ जाते तो भी 6 कार्बन की थी, इस तरफ भी 6 कार्बन की चेन है। आप देखिए सबस्टूएंट क्या क्या है, तो ये भी एक सबस्टूएंट है, 1 2 3 कार्बन का सबस्टूएंट है, लेकिन साइक्लिक है, इस वजह से साइक्लो नाम के आगे आएगा। ये भी आपका एक सबस्टूएंट है, ये भी आपका आएगा, तो मैं बोलूंगा 4 इथाइल, 4 पोजीशन पर क्या है, इथाइल है, और 2 पोजीशन पर क्या है, 2 साइक्लो प्रोपाइल,
साइक्लोप्रोपाइल, हैग्स 1E, बताइए। प्रणव बताओ। यस सर, आ गया समझ। सर सर वो आ गया। प्रोफाइल वाली मिस्टेक है ना, बस बहुत बड़ी मिस्टेक, छोटी मिस्टेक थोड़ी थी। अच्छा बट क्यों प्रोफाइल क्या हुआ, क्यों प्रोफाइल हुआ प्रोफाइल? कह रहे हो? अच्छा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। सब पहले फोर क्यों आ रहा? फोर क्यों आया? इथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है प्रणव? ये जो इथाइल ग्रुप है 1-2 कार्बन वाला ग्रुप, सब पहले क्यों आया वो? पहले क्यों आया? देखिए अगर नेमिंग देखेंगे तो ई पहले आ। ओके ओके ओके, एक मिनट मैं भी ये चीज चेक कर लेता हूँ, साइक्लो को काउंट करते हैं या नहीं करते नेमिंग में इनिशियली। एक मिनट देना, जस्ट बात तुम्हारी ठीक है। नहीं प्रणव, मैंने सही लिखा है, साइक्लो को नेमिंग में इनिशियली काउंट नहीं करते। आपको अगर देखना है ना जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो पी और ई को कंपेयर करेंगे, साइक्लो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे इनिशियली। अगर दोनों का लेटर सेम आ गया तो फिर आप साइक्लो को कंसिडर करना पड़ जाएगा। ओके सर ठीक। अगर दोनों जगह सेम आ जाए इथाइल इथाइल, तो फिर आप साइक्लो को कंसिडर कर लेंगे। आद्या डिस्कनेक्टेड चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, ये समझ आया या नहीं आयुष? यस सर, ठीक है, नेक्स्ट दे दूं। यस सर। तो श्रेया ने एक क्वेश्चन पूछा था, वैसा ही एक क्वेश्चन मेरे पास भी है, मैं पूछ लेता हूँ। सर वो अंश ने पूछा था। अंश ने किस, अंश तो आज ज्वाइन थोड़ी किया है, आज अंश का कोई पेपर वेपर है बता रहा था। नहीं वो उसने ही पूछा था वैसा क्वेश्चन, ओके okay। तो उसी का। ये देखिए श्रेया, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? भाई बताइए, अब तो आपको इतना बता चुका हूं तो कुछ तो बताइए आप भी। सर इसका बताना। नहीं, ऊपर वाले का आयुष, ऊपर वाले का। सर इसका मुझे आता है। सर बताओ आयुष, इसका बता दो। अरे मेंटेन होगा साइक्लोपेंटेन। तो भी गलत बताया आयुष। अच्छा
अच्छा हाँ सर, साइक्लोपेंटेन, चलो ठीक है। अच्छा अभी वापस बात है क्या? 1 मिनट, गलत है। अरे बताइए भाई, कुछ तो बताइए। आर्यन कभी तुम भी कुछ बता दो। यस सर, कुछ बता दो, ऐसे ही गलत ही बता दो। सर अब बताइए, देखते हैं। श्रेया का क्या है? इथ वन इनाइल। नहीं श्रेया, यहीं पे गलत हो गया आंसर। नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे? 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसके लिए 1 2। सो इथ, ओके, वन इनाइल। लेकिन श्रेया, इसमें तुमने ये नहीं लगाया इथ के आगे नंबर क्या है। अच्छा हाँ, हाँ, वो लगाना भूल गए नंबर नहीं लगाया तुमने। सर। मैंने ऐसे नंबरिंग की, मतलब कि इधर वन लेके। अच्छा नहीं श्रेया, वो गलत हो जाएगा। उसमें फिर ये डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा। डबल बॉन्ड को जब भी इंक्लूड करना हो आपको, तो पहले कार्बन को 1 दोगे, दूसरे को 2 दोगे, तभी डबल बॉन्ड इंक्लूड होगा। अदरवाइज डबल बॉन्ड काउंट नहीं हमने तो करेगा। सिर्फ फर्स्ट वाला ही आता है ना सर, कि ये है अभी नहीं इसमें। श्रेया, बट डबल बॉन्ड के लिए रूल है कि दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, तो 1 इसको ना नेम देना पड़ेगा, इसको नहीं दे सकते। तो यहां पर देखिए, 2 पोजीशन पर क्या है? इथ, 1 इनाइल। फिर उसके बाद 3 पोजीशन पर क्या है? मिथाइल। कितने कार्बन चेन है? 6 कार्बन की चेन है। हैग्स 1.3, डाइईन। ये ऐसे होगा, बताइए। सो नंबरिंग कैसे थी सर? हाँ, वो कैसे पता चला कि एक किस बार में ऑर्डर आपको पे? एक मिनट देना। न्यू शेयर, एक मिनट देना। जस्ट देखिए कैसे नंबरिंग की, समझाता हूँ आपको। ये मेरे पास बेंजीन रिंग आ गई, ओके।
ये ऐसे है और इस तरफ ये ऐसे है, ठीक है? यस हाँ सॉरी, बेंजीन ले लिया मैंने, एक मिनट देना एडिट अंडू करता हूँ, मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने बेंजीन ले लिया है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। देखो विनाइल आपके सिलेबस में नहीं, आप यूज नहीं कर सकते, तो आपको वही यूज करना पड़ेगा जो मैंने बताया है। स्किप कर दो, विनाइल वैसे कॉमन नेम है बट ये नहीं यूज कर सकते आप। शेयर स्क्रीन, एक सेकेंड, मैंने जो बताया है वही आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। फिर थोड़ा सा एडवांस नेमिंग चला जाता है यूपीएससी में, विनाइल भी आप यूज कर सकते हो लेकिन विनाइल कॉमन नेम है, तो आप तो इथ वन इनाइल कर दो इसको, इथ वन इनाइल था ना शायद, इथ वन इनाइल, हाँ इसमें एक चीज और हो रही है, एक मिनट रुकना जस्ट, ये सब ठीक है, यहाँ पर टू पे मिथाइल पहले के लिए, बाकी सब कुछ ठीक है, टू में एक मिनट देना, जस्ट एक मिनट दो मुझे। ठीक है, ये इसने इथिनाइल लिख रखा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। बट एक चीज हो रहा है, टू पर मिथाइल लिया इसमें, 1 2 3, ओके मैच करना था, इनकरेक्ट मैच पूछा गया, 6 का D, हाँ ठीक है, ये अपना नाम ठीक है बिल्कुल, अपने नाम में कोई इशू नहीं है, इसने कुछ मिस्टेक कर रखा था, इसने आगे पीछे कर रखा, उसको बोल रखा था इनकरेक्ट, ठीक है मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, अपना एकदम परफेक्टली करेक्ट है, यही नाम आएगा इसका, ये बात समझ में आई? यस नेक्स्ट लिखिए, आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे देंगे? आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? हेलो, यस दिखाई दे रहा है क्या? स्टॉप शेयर, स्क्रीन शेयर, कहाँ गया कहाँ गया? ठीक है शेयर, हाँ आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, देना ठीक है,
कुछ, पहला है टाइप 1, टाइप 1। टाइप 1 में लिखो ग्रुप्स ऑफ दिस टाइप, ग्रुप्स ऑफ दिस टाइप आर नॉट कंसिडर्ड आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप इन आईयूपैक नोमेनक्लेचर। सो टाइप 1 क्या है? टाइप 1 मतलब फंक्शनल ग्रुप का टाइप लिख रहा हूं मैं। ये फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे जो टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको क्या बोलेंगे जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर में जिनको फंक्शनल ग्रुप ही कंसिडर नहीं करते। तो ये कौन कौन से हैं देखो, मूव नहीं कर पा रहा। यहां तक लिख लिया क्या टाइप 1? यहां तक आपने लिख लिया क्या अब तक? यस सर। इसको मैं हटा रहा हूं एक बार। अरे ये क्या हुआ? ओके सो यहां पर टाइप 1 में पहला ग्रुप है फ्लोरीन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसके लिए प्रीफिक्स ही यूज करते हैं, इसे कभी सफिक्स में नहीं लेंगे, प्रीफिक्स में ही इसे लेंगे। आर्यन कैमरा ऑन कर रहे हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं है, नहीं सर, गलती से हो गया था। कर लो तो अच्छी बात है। मैंने कब कहा, हम भी देख लेंगे तुम्हें। कर लो आर्यन। ये यहां पे लिख देता हूं सी ओ, ये सारे ड्रॉ कर लेना।
एपॉक्सी का फॉर्मूला C2 होता है, एल्कोक्सी का फॉर्मूला, ईपॉक्सी का फॉर्मूला नहीं, ये क्या दिखा रखा है कि इस तरफ भी कार्बन चेन चल सकती है, इस तरफ भी चल सकती है। इसका अगर हमको जनरल फॉर्मूला से निकालना हो तो जनरल फॉर्मूला में आप एक डबल बॉन्ड मतलब CnH2nO, CnH2nO ये जनरल फॉर्मूला रहेगा। एक एक करके मैं आप बताऊंगा कैसे कैसे नेमिंग होगी। तो इसमें फर्स्ट ये सारे कंपाउंड लिख लिए आपने? यस सर। हो गए तो ये सारे कंपाउंड अगर आपके हो गए हैं तो आप देखिए मैं आपको पहला चीज बताता हूं। नहीं ये लिखने थे सिर्फ, ये लिख लिया। इसमें लिखिए रूल वन, रूल वन, इफ टू सब्सटेंस आर प्रेजेंट एट सेम पोजिशन फ्रॉम डिफरेंट एंड्स If two substituents are present on same position from different ends, if two substituents are present on same position from different ends, then priority is decided on basis of alphabetical order. Then priority is decided on basis of alphabetical order. Alphabetical order के basis पे priority decide कर देंगे अगर दोनों substituent की same position आ रही है from different ends. Like यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नेमिंग कर सकते हैं या ऐसे नेमिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो अब कौन सी नेमिंग करेक्ट है ये चीज डिसाइड करनी थी, कैसे करेंगे आयुष बताएगा। सर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। क्यों आयुष? सर रूल वन के हिसाब से अल्फाबेटिकल ओके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। इसमें नाम क्या आ जाएगा? वन ब्रोमो, फाइव क्लोरो, पेंटेन। वन ब्रोमो, फाइव क्लोरो, पेंटेन। ठीक है, क्या इसमें कोई डाउट है? प्रणव? यस सर। नो, नहीं है डाउट। नेक्स्ट देखो रूल टू, रूल टू रूल टू क्या बोलता है? इफ इफ मल्टीपल बॉन्ड्स एंड टाइप वन फंक्शनल ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स एंड टाइप वन फंक्शनल ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट, then priority is given to multiple bonds. If multiple bonds and type 1 functional group both are present, then priority is given to multiple bonds. Okay? Then priority is given to multiple bonds.
सर एक बार रिपीट करेंगे। इफ टाइप वन फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स बोथ आर प्रेजेंट देन प्रायोरिटी इज गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड्स। सर तो इन सिंपलर टर्म्स अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को मिलेगा। सर एक बार वापस रिपीट करेंगे। If multiple bonds and type 1 functional group both are present, multiple bonds मतलब double bond या triple bond, इनमें से कोई and type 1 functional group मतलब fluoro, chloro, bromo, nitro, nitroso, alkoxy, इनमें से कोई functional group present है and multiple bond मतलब double या triple bond साथ में present है, तो जो priority देंगे वो double या triple bond को देंगे ना कि इन functional groups को। ये फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी पे नहीं आएंगे, प्रायोरिटी पे कौन आएगा? मल्टीपल बॉन्ड। बात समझे? सर तो जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसमें नंबरिंग इधर से होगी। हाँ समझे आयुष, बिल्कुल सही बोल रहे हो। नंबरिंग okay. इधर से होगी, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। प्रणव ये बात समझ आई क्या? किया नहीं सर। नहीं समझ आई। यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो आप किसको हायर प्रायोरिटी दोगे ये चीज डिसाइड करनी है। तो हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी मिलेगी कंपेयर टू जो इनिशियल जो आपको फंक्शनल ग्रुप लिखवाए थे नहीं बहुत सारे, इनके कंपेरिजन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा हो। आया समझ प्रणव सर? हाँ यस सर। और अगर वही ये बॉन्ड अगर इधर होता तो फिर आप उधर से नंबरिंग कर सकते थे क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आ रहा था उस साइड से डबल बॉन्ड। सर सर बट अगर उस साइड से करेंगे तो पहले तो फ्लोरीन का बॉन्ड आ जाएगा फिर। हाँ बट देखो नंबरिंग, देखो मैं दिखाता हूँ आपकी बात, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। फ्लोरीन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है, इस साइड से आए तो 1 2 पर ही डबल बॉन्ड आ गया, तो किस साइड से नंबरिंग करेंगे? उस साइड से कर देंगे जहां से कम नंबर पे आ रहा हो। सर उस केस में भले वो फ्लोरीन पहले आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। हाँ समझ गए तुम। ओके सर। प्रणव ये बात क्लियर हुआ? यस सर। ओके नेक्स्ट देखिए। तो इसका नाम क्या होगा? वही क्या मीम नाम क्या होगा? किस चीज का नाम क्या होगा? कंपाउंड का। ओके इसका यहां पर 4 फ्लोरो। ओके तो वही तो चीज हुआ ना सर क्या जो हम पहले भी करते थे, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते थे। हाँ तो फिर हमको इसका नया रूल डिवाइस करने की जरूरत ही क्या है क्योंकि हमें तो पहले से पता ही ऐसे लिखा आता है। नहीं श्रेया इस साइड से जाते तो फ्लोरो सेकंड पोजीशन पर आ जाता, ये बात है। ओके ओके तो 4 पे फ्लोरो पेंट 1 ईन। फोर फ्लोरो पेंट 1 ईन। अभी ये डाउट क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। यस सर। और देखो मैं आपको एक और देके देखता हूं, आप कोशिश कीजिए।
इसका नाम देना है, बताइए। सर सर हाँ श्रेया बोलो। ये वाला ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसे? हाँ लिख सकते हो, थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा दिया, और कोई बात नहीं। फोर क्लोरो, 4 क्लोरो, 7 फ्लोरो, 7 फ्लोरो, नोने। क्या 9 नेम। सर? श्रेया ने नाम बताया, 4 क्लोरो, 7 फ्लोरो, 9 नेम। सर क्या आयुष नोने ठीक? का पार्ट क्या था सर? 9 नेम, 9 नेम, 4 क्लोरो, 7 फ्लोरो, 9 नेम। श्रेया ने ये बताया है, क्या आयुष ये ठीक है? नो नेम होना नहीं चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नेम नहीं होना चाहिए। अच्छा ऐसे, मुझे लगा सर नो नेम बोल रहे हो। नो नेम। ओ ठीक अब है देखिए सर। इस साइड से चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। श्रेया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल याद है? पर इसमें तो वो देखेंगे ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लोरो फ्लोरो वाला, जैसे मैं ऊपर अल्फाबेटिकल देखूं। ऑर्डर तब आता है जब दोनों सेम पोजीशन पर होते हैं। ओके भाई इस साइड से आप चलो तो किस किस पोजीशन पे सबस्टूडेंट है? आपने देखा हाँ 4 पे एंड 7 पे, लेकिन अगर अपोजिट साइड से आते हो तो 3 और 6 पर सबस्टूडेंट है। वो 3 और 6 हो जाएगा बस सर। तो इसका होगा 3 फ्लोरो 6 क्लोरो नोनी। 3 फ्लोरो 6 क्लोरो 9 नेम। यस सर। समझे? 3 फ्लोरो 6 क्लोरो 9 नेम, 6 क्लोरो 9 नेम। सर अब हम इसमें उल्टा इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले आता है, एफ बाद में आता है। अच्छा इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे उसमें नहीं। हाँ हाँ किसको पहले लिखना है इसके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए। ओके सर। चलिए ये बात समझ आई सबको? फिर एक और मैं आपको दे के देख लेता हूं, आप बताइए। और यहां पर आप लगा दीजिए NO2। फिर क्या करेंगे बताइए? आर्यन कोशिश करोगे?
मैं ट्राई करूं? करो ट्राई। क्या थ्री ब्यूटेन? थ्री ब्यूटेन फाइव नाइट्रो? फाइव नाइट्रो हेप्ट वन ईन? हेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट वन ईन। गलत है श्रेया, एक ही मिस्टेक बार बार। थ्री ब्यूटाइल सॉरी सर, फाइव नाइट्रो हेप्ट वन ई। बताइए बाकी लोग क्या किया, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आयुष प्रणव क्या कर रहे हो? फाइव नाइट्रो कैसे है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। नहीं, आपको डबल बॉन्ड को मेन चेन में इंक्लूड करना ही करना है प्रणव। सर बताया था क्या? अपोजिट सर मैंने वैसे नहीं किया, मैंने रैली। मेरा, हाँ नहीं, मेरा नोने ना आ रहा था सर। तो अब ये ठीक करो। समझे क्यों यस डबल बॉन्ड को सर, इंक्लूड करना बहुत जरूरी है? बट लॉन्गेस्ट चेन देखे कि डबल बॉन्ड देखे? क्या डबल सर लॉन्गेस्ट चेन देखे कि डबल बॉन्ड? बॉन्ड देखे? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बार बार बता रहा हूं, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं लॉन्गेस्ट चेन से। बताइए भाई, नहीं आया? सर ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या खराबी है? इसमें भी खराबी है? यस नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि ये ठीक है। ये समझ आया या नहीं? सर, ये ठीक है, ये समझ आया या नहीं, इस बात को पूछ रहा हूं मैं। हाँ, यस नेक्स्ट देखिए, अगर ये समझ आया तो ये ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5, 5 पे आप वापस से चले जाओ। डबल बोन लगा दो यहाँ पर इस साइड, ऐसे यहाँ पर आप लगा दो आयोडीन और यहाँ पर आप लगा दो एनमो। अब ट्राई करो। सर ये कनेक्टेड है ना कि दो अलग अलग आपने बना लिया? अच्छा कनेक्टेड है ये डबल बॉन्ड? हाँ, ये कनेक्टेड है, ओके सर। ये कनेक्टेड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है।
बोलूं क्या? क्या बोलो आंसर बोलूं क्या? बोलो श्रेया, कोई टू इथाइल तो बोल ले। टू इथाइल फोर आइडो फोर आयोडो सिक्स नाइट्रो सिक्स नाइट्रो या नाइट्रोसिल, सॉरी नाइट्रोसिल, मैंने NO2 लिखा है। NO2 नहीं है ये, NO है, ध्यान से। हेक्स हाँ सिक्स नाइट्रोसिल हेक्स वन। वन ई, ठीक है। आयुष क्या किया, कुछ समझ आया? आप मेन चेन कहां से डिसाइड करेंगे? हाँ प्रणव बोलो, मार्क किया आपने प्रणव? सर श्रेया ने बोला टू इथाइल ना हाँ टू इथाइल, सर, तो अगर मेन चेन में ले लेंगे तो वन, अगर इधर से भी करेंगे तो भी तो हाँ डबल मेन बॉन्ड। चेन क्या ये ले सकते हैं? डबल बॉन्ड क्या इंक्लूड होगा मेन चेन में, अगर यहां से आप मेन चेन लेते हो तो? हाँ सर इंक्लूड तो होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने के लिए जरूरी है कि डबल बॉन्ड के एक साइड भी नंबर आए, दूसरे साइड भी नंबर आए। सिर्फ एक साइड से नंबरिंग देके आप डबल बॉन्ड को इंक्लूडेड नहीं मान सकते। अच्छा ओके सर तो इस वजह से नंबरिंग यहां से शुरू करनी पड़ेगी, ना कि वहां से। यहां से नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। हाँ यस ओके समझा समझ गए, ठीक यस सर। है। हाँ जी, चलिए अगर ये आपको समझ में आया तो मैंने आपको असाइनमेंट दे रखी है, आप वहां से अब नंबरिंग मतलब नेमिंग ट्राई करो। कल मॉर्निंग में अपना और भी काफी कुछ हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप्स भी हो जाएंगे, तो उसके बाद से फिर आपका लगभग सब कुछ अटेम्प्ट होने लगेगा नंबरिंग आयुपैक नेमिंग में। तो कल मेजर काम हो जाएगा, परसों शायद आयुपैक नेमिंग फिनिश हो जाएगा। ओके मैं लेक्चर यहीं फिनिश करता हूँ, एक बार मैं एंड कर रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्डेड मैं फिर शेयर कर सकूँ। उसके बाद न्यू मीटिंग वापस से शुरू कर रहा हूँ, तो एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लेना। डाउट्स हैं जिसको भी तो वो ज्वाइन कर लेना। जस्ट इसके जस्ट बात कर रहा हूँ, इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक फिर मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, ओके सर। ओके।